क्या करेक्टर क्या है आपका, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ शूट होता बताएंगे आप? तो पहला प्यार शो में जो मुरली का जो कैरेक्टर है, ही बिलोंग्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड. वो रतलाम में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है एंड नाउ ही इज लिविंग इन पटना ड्यू टू हिज फादर्स न्यू जॉब. ही हैज शिफ्टेड देयर एंड नाउ ही मीट्स दिस न्यू गर्ल कॉल्ड नंदिनी सिन्हा एंड ही इज स्मिटन बाय हर. ही इज ऑल ओवर हर, मतलब उसको देखते ही उससे, मतलब 5 सेकंड में उसने अपना पूरा फ्यूचर डिसाइड कर लिया नंदिनी को देखते. तो आगे ये शो ऐसे ग्रेजुअली आगे जाएगा कि कैसे मुरली उससे बात करता है और उनकी दोस्ती और फ्रेंडशिप कैसे आगे कंटिन्यू होती है. पहला प्यार ऑब्वियसली आई थिंक सबको ही हुआ है पहला प्यार कभी ना कभी लाइफ में, तो आई थिंक हमसे ज्यादा आप सब रिलेट कर पाएंगे इससे, बिकॉज काफी यूनिवर्सल टॉपिक है. प्यार तो हो ही जाता है कभी ना कभी, स्पेशली जब आप वो एज क्रॉस कर देते हो 15-20, तब तक तो हो ही गया होता है एक आध बार तो हो ही गया होता है थोड़ा बहुत प्यार, तो आप रिलेट कर पाओगे. एंड लेस देन 1% चांस की बात रही तो बेसिकली ये है कि मुरली का प्यार वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, उसको नंदिनी वापस ऐसा प्यार बैक, मतलब ऐसा प्यार बैक क्या बोलते हैं, लव बैक, हाँ लव बैक करती है दोनों साइड. जैसे सेट पे मतलब इस शो में एक कैरेक्टर दिखाया है दीपू का, जो कि मुरली का एक सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब ऐसा फ्रेंड जिसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है. वी ऑल हैव दैट वन बेस्ट फ्रेंड इन लाइफ. तो इट इज बीइंग प्लेड बाय सचिन चौधरी, एन एक्टर. ही आई हैव वर्क विद हिम बिफोर एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो आई गेस ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. एज एन एक्टर आई थिंक एवरी न्यू कैरेक्टर इज अ न्यू चैलेंज दैट यू हैव टू फेस. तो आई गेस कि जैसे एक स्कूल का हमने ऑलरेडी वो लाइफ जी हुई है, बिकॉज वी आर ऑफ दैट सेम एज फॉर अरिस्ता एंड मी एंड ऑल ऑफ द अदर कास्ट. तो आई गेस इसमें उतना डिफिकल्टी नहीं आई. एज फॉर मुरलीज कैरेक्टर, इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइंग एंड यूनिक कैरेक्टर विच हैज मेनी लेयर्स टू इट. इट इज यू वुड से अ रेनबो कैरेक्टर, क्योंकि वो मतलब ऐसा नहीं कि एक सीरियस काइंड ऑफ गाय है, तो वो सीरियस ही है. ही इज फनी ऑल्सो, ही इज इनोसेंट, ही इज काइंड, ही इज हेल्पिंग. तो उसका मतलब जो अपने फादर के साथ में एक अलग जो एक जिस तरीके से वो एक्ट करता है, मतलब जिस तरीके से वो बिहेव करता है, नॉट इन दैट मतलब शाना क्लेवर टाइप्स, लेकिन वो मतलब नंदिनी के सामने वो बिल्कुल शांत और एक स्वीट गाय के जैसा हो जाता है. और अपने फ्रेंड के साथ में जो चल भाई कहीं भी चल ऐसा, मतलब तो वो एक इस कैरेक्टर में मेरे को एक अलग चीज करने को एक अलग चैलेंज था इस कैरेक्टर के लिए. कोई भी जो कैरेक्टर होता है उसके आपको एक्सेंट्स प्रॉपरली पकड़ने पड़ते हैं, बिकॉज ये जो कैरेक्टर है मुरली का वो रतलाम से बेस्ड है, एमपी से, मेन कोर एमपी का. तो उधर से वो हमें इस शो में थोड़े उसके एक्सेंट्स और थोड़ा मतलब वहाँ का टच प्रॉपर डालना चाहिए, डालना था, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था. तो उसमें हमने काफ़ी वर्कशॉप्स में, रीडिंग्स में, काफ़ी मैंने डायरेक्टर सर ने और प्रोड्यूसर रितेश सर ने इस पर काफ़ी वर्क किया इस प्रोजेक्ट, इस कैरेक्टर पे. और जैसे नंदिनी का भी कैरेक्टर है तो वो भी हम और मतलब इसी तरीके से जैसे पटना में बात करते हैं, तो वो इसी टोन में हम पूरा शो बेस्ड है. शूट हमने पहले शुरू किया था भोपाल में, मुंबई से पहले जो हमारा यहाँ पे सेट था, बिफोर दैट वी स्टार्टेड विद भोपाल आर एक्सटीरियर्स. तो आई थिंक दैट वाज वेरी फन, बिकॉज फन से ज़्यादा वो काफ़ी चैलेंजिंग भी था, बिकॉज इट वाज वेरी हॉट भोपाल में उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी. एंड हमारा दिन बहुत जल्दी स्टार्ट होता था, बिकॉज यूज टू ओनली वर्क इन डे लाइट, एक्सटीरियर था तो सूरज ढलने से पहले, विच वॉज 6:30. एंड एकदम जब क्या बोलते हैं उसको,
सनराइज पे हमें शुरू करना होता था, तो मतलब 5:30 यू हैव टू वेक अप टू स्टार्ट गेटिंग रेडी, रीच द लोकेशन एंड ऑल दैट. तो मेरे लिए उठना तो पहले बार ऐसा था, मैं क्यों ऐसा आराम से होटल के बेड में बैठ के सुबह ना इतना आता था, बट ऑल्सो पैकअप भी जल्दी हो जाता था बिकॉज सनसेट हो जाता था. तो देर आई हैड अ लॉट ऑफ फन आई थिंक इन भोपाल बिकॉज वी वर इन द होटल एंड सब एक रूम में बैठ के चिल करते थे एंड देन स्विमिंग जाते थे. हमने होटल का हर कॉर्नर एक्सप्लोर किया है, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, हमने कुछ नहीं छोड़ा. हमने पूरे होटल को तंग कर दिया था, हर जगह गए, रूम पे नॉक करके भागे, सब कुछ किया है. सो दैट वाज वेरी फन आई थिंक द इनिशियल बिट. या भोपाल वाज एन अमेजिंग, मतलब जो भी हमने वहां पे शूट किया दैट वाज क्वाइट एन एक्साइटिंग पार्ट. और हमने जैसे भोपाल के मार्केट्स में भी शूट किया, दैट वाज क्वाइट नाइस क्योंकि पीपल जो वहां के थे काफी सपोर्टिव और काफी हम्बल थे नेचर वाइज भी, तो दे वर क्वाइट हेल्पफुल. एंड जैसे अरिस्ता ने बताया कि हम जब भी हमें एक्सटीरियर शूट करना होता था जैसे सनराइज या फिर सनसेट, जो प्रोमो में भी एक सीन है जो मैं इससे नंदिनी से मिलने के बाद जा रहा हूँ चलते हुए, तो वो उस पर्टिकुलर सीन को शूट करने के लिए हमें 3-4 बजे उठना पड़ा था और हमने मेकअप भी होटल में किया, देन वी गॉट टू द शूट लोकेशन. तो मतलब ऐसा भोपाल में ऐसा हमने शूट किया, देन वी केम टू मुंबई. तो यहाँ पे सब चीजें ईज आउट हो गई क्योंकि प्रॉपर एक सेट लोकेशन था और प्रॉपर एक प्रोटोकॉल था वहाँ पे.